गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी नानी के बनाए हुए हाथ के आसन दिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये मेरी नानी है। ये सारे आसन मेरी नानी ने अपने हाथ से बनाए हैं। इन्होंने लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये सुंदर सुंदर आसन बनाए हैं। तो आप इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे बनाए हैं। तो नानी, आप बताइए, आपने कैसे कैसे बनाए हैं? ये वाला है, ये मैंने 40 फंदे डाले, एक एक करके हटाए और एक एक करके फिर बढ़ाएंगे। इस तरह एक दूरी कड़ी बनी, फिर एक एक करके मैंने इनको बढ़ाया। ये मैंने कलियों का बनाया, अलग अलग कलियों किया और ये साड़ियों का। और ये पिंक वाला कैसे बनाया? ये पिंक वाला गूंथ के बनाया है, ये गूंथ के बनाया है। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है लॉकडाउन में और इतने सुंदर आसन बना के तैयार किए हैं। मेरी नानी 70 साल की है और इन्होंने इस्तेमाल किया है और इन्होंने इतने सुंदर आसन बना के तैयार किए हैं जो कि अभी आपने देखे हैं। इन्होंने इसमें सिलाई क्रोसिया का इस्तेमाल करके ये आसन बनाए हैं और ये आसन घर में वेस्ट पड़ी हुई साड़ी, बेडशीट, उन सबके चीजों से बनाए गए हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीजें पहले हमारे लोग बनाते थे, आज ये सब चीजें हम भूल चुके हैं। पर फिर दोबारा से एक रिवाइव देखिए कि कितनी सुंदर सुंदर चीजें हमारे यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो गाइस, आपने देखा ये कितने सुंदर आसन बनके तैयार हुए थे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर किसी को जानना है ये आसन बने कैसे हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसमें 40 फंदे डाले, एक एक ऊपर से घटाया है, एक एक और यहाँ एक एक बढ़ाया है, यहाँ तक जब आमू हुए, जब एक एक करके घटाया है, ऐसे करके एक करके, ऐसे ही हमने दूसरी की, ऐसे करके ये सारी ये 12 कली बन गई और ये वाला बीच में से सीख लिया।